वेलकम टू डेली फैक्ट प्रीलिम सुपर 15 टारगेट। ये हमारे इस इनिशिएटिव का डे 6 है। हर वीडियो में हमने जो है वो इससे पहले हम 5 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हर वीडियो में जो है वो हम 15 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। 15 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट रहेगा। हर रोज के 15 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है वो आपको करंट अफेयर से लेकर जनरल स्टडीज एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, जिससे जो है वो हमें ये क्लियर होता है कि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन जो है वो करंट बेस्ड किस तरह से बन सकते हैं और जो किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ऑलरेडी आए हैं और हम उसको जो है वो फ्यूचर में भी जो है वो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के 15 क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द ऑफिस ऑफ द लोकपाल। रिसेंटली न्यूज में है ये, अभी 2 साल बाद अपॉइंटमेंट हुआ है लोकपाल का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिसेंटली द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय मणिकर राव खानवेकर वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है, चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द लोकपाल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्टिंग कमेटी हैविंग प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। सो ये दो स्टेटमेंट्स है आपके पास, आप इनमें से बताना है कि ये दोनों करेक्ट है या नन ऑफ दीज, या फिर ओनली वन या फिर ओनली टू। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ करेक्ट। अभी जो हमारे चीफ फॉर्मर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं ये अजय मणिकर राव, और ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज ए लोकपाल ऑफ इंडिया, ये याद रखना। और जो लोकपाल का जो आइडिया है, ऑम्बुड्समैन हम इसको कहें, तो ये स्वीडन से जो है वो रेज हुआ है, स्वीडन से रेज हुआ, और 1809 में जो है वो स्वीडन में सबसे पहला जो है ऑम्बुड्समैन हुआ था। जो सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट्स है उनकी एक्टिविटीज पर जो है वो थोड़ा सा नजर रखने के लिए, यानी कि कोई करप्शन ना करे, अदर इलीगल चार्जेस वगैरह, वो सब के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो लोकपाल को अपॉइंट किया गया था, जिससे जो है वो सरकार में ट्रांसपेरेंसी और लोगों का विश्वास जो है वो गवर्नमेंट में बना रहे। अपॉइंटमेंट कमेटी की अगर हम बात करें तो उसको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर, रिकमेंडेशन देता है वो प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट जो है फिर लोकपाल को अपॉइंट करता है। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये 2017 का यूपीएससी पीवाईक्यू है। इससे एक ये बात हमें क्लियर होती है कि रैंकिंग और इंडाइसिस एज वेल एज आपका जो ये रिपोर्ट जो रिलीज करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएन वुमेन, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो आपका ग्लोबल जेंडर गैप, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज करता है, ये याद रखना। और इसका समिट जो है वो हर साल जो है वो दावोस में होता है। इस साल जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको एड्रेस किया था यहाँ पे, ये याद रखिएगा। और उन्होंने यहाँ पर एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको उस इनिशिएटिव का पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस द विच ऑर्गेनाइजेशन या विच बॉडी। ह्यूमन राइट कमीशन, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, प्लानिंग कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन था 5 ईयर प्लान सिस्टम के, उसमें हमने जो इसको अडॉप्ट किया था 1950s में, 1951 में, और यूएसएसआर से जो है वो हमने इसको अडॉप्ट किया है, याद रखिएगा। और नीति आयोग जो है वो आपका 2015 में बना है, 2014 में जो है प्लानिंग कमीशन जो है वो खत्म हो गया था। नई सरकार जब बनी थी तो उन्होंने 2015 में नीति आयोग को लॉन्च किया है। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अ थिंक टैंक है। नीति आयोग में जो है वो डिफरेंट विंग्स है, एक नॉलेज विंग है, ठीक है, उसके बाद एक थिंक टैंक विंग है, और जो नॉलेज विंग है और इसमें जो है वो एक्सपर्ट भी जो है वो इन्वॉल्व है, जिससे जो है वो आपको एक रिसर्च इंडिया विंग है, रिसर्च इंडिया विंग, नॉलेज विंग, एज अ थिंक टैंक ये वर्क करता है, याद रखिएगा। और नीति आयोग जो है वो कॉपरेटिव एज वेल एज कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म को डिफाइन कर रहा है। और ये भी ध्यान रखना, नीति आयोग जो है नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन प्लानिंग कमीशन भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन था। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के अंदर जो है वो फाइनेंस कमीशन को मेंशन किया गया है संविधान में, बाकी सभी जो है वो संविधान में मेंशन नहीं है, उनका कोई आर्टिकल नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन, जो ह्यूमन राइट कमीशन का अगर हम बात करें तो ये 1992 के अराउंड बना है, ये भी जो है वो एक सेक्रेटरी बॉडी है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन रखी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टर स्केचेस ऑफ द मिक्स्ड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग,
और साथ में अगर हम बात करें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन जो है वो हमें बताता है कि ये टर्म्स जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड जो है वो पेपर में देखी भी जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कल्टिवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप्स मिक्स फार्मिंग के अंडर आता है। कल्टिवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि हम एनिमल्स भी रख रहे हैं, यानी कि आपका लाइव स्टॉक प्लस साथ में एग्रीकल्चर दोनों हो रहा है, दैट इज योर मिक्स्ड फार्मिंग। और मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो खर्चा जो होता है मिक्स्ड फार्मिंग में, दोनों को मैनेज करना पड़ता है। प्लस साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये जो है वो डबलिंग फार्मर इनकम के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एग्रीकल्चर ऑफ सीजन में हमारे पास जो है वो ऑप्शन हो सकता है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारे पास जो है वो लाइव स्टॉक है। देन उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है कि ये अभी रिसेंट में न्यूज में भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ जाता है, और डिजास्टर्स जो है वो हिमालयाज में हमने ऑलरेडी देखे भी हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन यू ट्रेवल इन द हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? डीप गॉर्जेस, ठीक है, यू टर्न वैलीज, रिवर कॉर्ड्स, पैलर माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड्स। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन करेक्ट है, जो गॉर्ज भी देखते हैं और हिमालयन रिवर्स देखते हैं हम, गॉर्जेस बनाती है जिसमें इंडस, ठीक है, चनाब रिवर बनाती है, यू टर्न वेल रिवर कोर्सेज जो है वो भी देखे जाते हैं, पैरलर माउंटेन रेंजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हिमालयस, तो ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि डैश हैड मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट टू रिकोगनाइज इकोसाइड इकोसाइड एज अ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल क्राइम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें इकोसाइड की तो ये एनवायरमेंटल रिलेटेड क्राइम है कि अगर आप कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड, इको मतलब एनवायरमेंट, साइड मतलब क्राइम, अगर आप एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो फर्स्ट कंट्री ने जो है बनी है, रिकॉग्नाइज किया है जिसने इसको एज वेल एज इंटरनेशनल क्राइम, तो ये है बेल्जियम। याद रखिएगा बेल्जियम ने जो है वो ये रिकॉग्नाइज किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट अबाउट द मुरारजी देसाई रिसेंटली मेंशन इन न्यूज। अभी इनके बर्थ एनिवर्सरी थी और प्राइम मिनिस्टर जी ने इनको जो है वो ट्रिब्यूट पे किया, तो उनके रिगार्डिंग के स्टेटमेंट्स, और हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारे क्वेश्चंस को एनरिच भी बनाना है, ताकि आप क्वेश्चंस पढ़कर भी जो है वो क्वेश्चंस को जब हम बार बार रीड करते हैं तो उससे जो है वो क्वेश्चंस हमारे माइंड में फ्रेम्ड हो जाते हैं, तो उससे भी जो है वो हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो मुरारजी देसाई वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड एक्टिविस्ट वो सर्व्ड एज अ फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1977 टू 1979। देन उसके बाद है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इनके टाइम पे हुई है। थर्ड है मुरारजी देसाई ज्वाइन द कांग्रेस ड्यूरिंग द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट एंड इम्प्रिजेंट, यानी कि इनको जेल हुई है 3 times एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। सो ऑल ऑफ दीज करेक्ट, सारी की सारी स्टेटमेंट ये सही है। मुरारजी देसाई ने जो ज्वाइन किया था सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट में, और ये मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने लॉन्च की थी 1930s में, और सॉल्ट ब्रेक के साथ यानी कि डांडी मार्च के साथ जो है वो शुरुआत हुई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें इंडिविजुअल सत्याग्रह की तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये लॉन्च किया था गांधी जी ने, और फर्स्ट जो थे विनोबा भावे जो इसके फर्स्ट जो सत्याग्रही थे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान रखिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च की थी, अगस्त क्रांति भी इसको हम कहते हैं, बॉम्बे से लॉन्च की गई थी विद द स्लोगन ऑफ डू और डाई, और डू और डाई के स्लोगन के साथ दी थी, और एक लीडरलेस मूवमेंट है, पैरलर गवर्नमेंट इसका सेलियंट फीचर है, वॉलेंस एज वेल एज नॉन वॉलेंस दोनों इसमें देखा गया है, और ये कोई भी जो है वो इस मूवमेंट का लीडर नहीं था, गांधी जी ने डू और डाई के स्लोगन के साथ ही लॉन्च की थी। और क्रिप्स मूवमेंट लॉन्च की गई थी आपका जो जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई थी, क्रिप्स मिशन जो आया था उसके फेलियर के लिए जो है वो उसके फेलियर और उसके अगेंस्ट जो है ये मूवमेंट लॉन्च की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच रिवर्स फ्लो इन टू द पाकिस्तान हैज बिन हेल्टेड बाय द कंप्लीशन ऑफ द शाहपुर कंडी बैरेज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है रावी, ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है रावी रिवर। और ये सारी रिवर्स जो है वो इंटरनेशनल रिवर्स है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ये फ्लो करती है। रावी जो है वो बड़ा बंगाल से निकलती है, इंडस जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर, चिनाब, चंद्रभागा दो रिवर्स है जो तांडी हिमाचल प्रदेश में एक रीजन है वहां पर मिलती है, और जो है वो वहां से जो है वो चेनाब रिवर बनाती है। और झेलम की अगर हम बात करें तो झेलम जो है वो
जम्मू कश्मीर पीओके वाला रीजन और वुलर लेक को जो है ये फेड करती है। यहाँ से भी जो है वो पेपर जो है वो क्वेश्चन में मतलब पेपर में जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवील्ड अ फुल फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नागालैंड। नागालैंड ने जो है ये लॉन्च किया है ये फुल फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इन विच कंट्री द अगालेगा आइलैंड इज लोकेटेड। अगालेगा आइलैंड इज लोकेटेड रिसेंटली न्यूज में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये न्यूज में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मॉरिशियस। विच इंडियन स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट होस्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स लेपर्ड्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग कहा है कि जो लेपर्ड्स है उनकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। और यहाँ से जो अदर एस्पेक्ट में पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें क्वेश्चन जो बनते हैं तो वो ये कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कौन से टाइगर रिजर्व में है, पहला तो ये, दूसरा उसके बाद कौन सी स्टेट में है सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन बन जाता है। और साथ में एलिफेंट पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो है वो ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है तो ये भी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास चार ऑप्शन है, टी आर काकर, अनूप कुमार सिंह, एम ए गणपति, जो ऑप्शन डी है वो है दिलजीत सिंह चौधरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व एनुअली। तो इसका जो आपके पास चार ऑप्शन है, 14 फरवरी, अप्रैल 1, मार्च 1 और 15 मई। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मार्च 1, ये ध्यान रखिएगा, ये भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में है, अभी रिसेंटली भी न्यूज में और काफी रहने वाला है, वट एयर डिफेंस सिस्टम वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO इन फरवरी 2024। तो DRDO इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा DRDO जो है वो 1958 में बना है। और DRDO के जो चेयरमैन है अभी प्रेजेंट टाइम में वो कौन है, कमेंट बॉक्स में आप उनका आंसर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विशोड, वेरी शोर्ट एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल है ये इजिली, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वन टाइम स्कीम अक्रॉस द ऑल अर्बन लोकल बॉडीज। तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, चारों के चारों जो है वो साउथ इंडियन स्टेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना ये ने ये स्कीम जो है वो लॉन्च की है। और अर्बन लोकल बॉडीज की अगर हम बात करें तो इसके रिगार्डिंग जो है एक मोस्ट फेमस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके लिए जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला तो ये कि वो कौन से ईयर में हुई है, प्लस साथ में जो क्वेश्चन जो आपके लिए अदर क्वेश्चन है वो है कि इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसे कौन सा शेड्यूल जो है वो हमारे संविधान में ऐड होता है। विच शेड्यूल जो है वो एडिड इंटू द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर या फॉलोइंग 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आप इन जो जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने जो डिस्कस किए आप इनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।